नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का शैक्षिक अधिवेशन गुरुकुल बकानी में शुभारंभ हुआ। पूज्य स्वामी जी की मूर्ति पर अतिथियों के द्वारा दीप पूजन माल्यार्पण कर विधिवत रूप से शैक्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का जिला शैक्षिक अधिवेशन स्वामी रामेश्वर आश्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुकुल बकानी में खानपुर बकानी विधायक सुरेश गुर्जर के मुख्य अतिथि में एम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी, रतिराम गुर्जर, अमरलाल लोधा, छगन सिंह गुर्जर, प्रकाश कुशवाहा, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कनेरिया एवं प्रदेश महामंत्री चंदन चतुर्वेदी के विशिष्ट अतिथि में व जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अतिथियों का स्वागत जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, प्रदेश मंत्री मुश्ताक अहमद, प्रदेश संगठन मंत्री अमित अग्रवाल, देवी सिंह मीणा, मोहित जैन व भारत भूषण मीणा के द्वारा किया गया। अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रीय कवि अनिल जैन उपहार ने राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला झालावाड़ का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने स्वागत उद्बोधन में अतिथियों का स्वागत करवाया और मंच पर उपस्थित अतिथियों का परिचय करवाया। प्रगतिशील संघ के प्रदेश महामंत्री चंदन चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री के अनर्गल बयानों का विरोध दर्ज करवाते हुए ओपीएस पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करने की सरकार को चेतावनी दी। इस अवसर पर सभी राजेश शर्मा, शालिग्राम दांगी, मनोज कुमावत, मनोज आचार्य, हंसराज भंडारी, अल्ताफ हुसैन नीलगर, विशाल सेन, अरविंद गोचर, ओम प्रकाश पाटीदार, सत्यनारायण इंदौर, हरचंद लोधा, देवीलाल गोचर, जगदीश गुप्ता आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। आखिरी में प्रथम दिवस के समापन में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया व संकल्प लिया गया कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों के लिए समय निकालकर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। मैं मंच से बैठे हुए हमारे बहुत ही हृदय में वास करने वाले आदरणीय अरविंद जी गोचर पधारे हैं, आपका अभिनंदन है। शालिग्राम जी दांगी अकाउंट एसोसिएशन से पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन है। और मेरे मामा जी भी नजर आ रहे हैं मुझे पीछे दिलराज के साथ, उनका भी अभिनंदन है। और जो बात में आए आप सभी का अभिनंदन है। मैं कह रहा था कि मंच पे जो मंच सजा हुआ है ये हमारा हृदय है। और मैं आपको बहुत साफ कहना चाहता हूँ, कोई छल कपट नहीं है। हम दूसरों को बुलाते हैं तो वो आते भी नहीं। जबकि मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि हम न तो उनके विरोधी हैं न आपके प्रशंसक हैं। प्रशंसक इसलिए हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो, हमारी बातों के लिए लड़ते हो। विधानसभा में आज वहां हो तो वहां लड़ोगे, विधानसभा में नहीं थे और तो भी आप लड़ते थे, आपकी वजह से ही वो हमसे भी लड़ते थे। इनके साथ बोलो, चाहे हमारे आज मीनाक्षी जी को भी मैंने कहा था कि आप भी बता रहे हैं बहुत दिन हो गए हैं, सुरेश जी भाई साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा था मैं कोशिश करूंगी भैया आने की, क्योंकि आपने हमारी आवाज पहुंचाई है आगे तक, इसलिए हम आपके बिल्कुल हृदय से आभारी हैं। मैं सुरेश जी भाई साहब से, क्योंकि आप विधानसभा में वो मजबूत आवाज है। कल मैं देख रहा था एक वीडियो, शायद विशाल ने डाला था कि वो कोई कोचिंग संस्थान था बड़ा, और वहां सुरेश जी गुर्जर के बारे में वो जोड़बागी गणित बता रहा था उस कोचिंग संस्थान में कोई पढ़ाने वाला, वरना अभी तक बताया जाता था पायलट साहब के बारे में, गहलोत साहब के बारे में, वसुंधरा जी के बारे में, गजन सिंह जी के बारे में। लेकिन हम इससे गौरवान्वित हुए कि वो उस कोचिंग संस्थान में जयपुर में बैठ करके सुरेश जी गुर्जर का गणित बता रहा था। तो ये कितनी बड़ी बात है। साथियों, मैं आपकी तरफ से हमारे मुख्य अतिथि महोदय से बहुत ही विनम्र शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि यदि कर्मचारियों पर जो केंद्र सरकार ने एक नया शिकुपा छोड़ रखा है यूपीएस के नाम पे, जो बहुत बड़ा धोखा है, मुझे भाई बहुत बड़ा धोखा है कर्मचारियों के लिए, यदि इस पे कोई आंच आती है तो आप शेर की तरह, सिंह की तरह हम सब कर्मचारियों की आवाज बनकर उस विधानसभा को गुंजा देना कि ओपीएस लागू करी थी कांग्रेस सरकार ने।